हाय एवरीवन, तो आज मैं एक डीआईवाई को कंडक्ट कराने वाला हूँ। अब ये डीआईवाई का आइडिया मुझे कहाँ से आया है और ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, इसके बारे में मैं बताऊँगा। और मुझसे ज़्यादा बच्चे एक्साइटेड है इस चीज़ को लेकर, तो शुरू करते हैं यार। तो मैंने बच्चों को बोला था कि आप इस तरह के जो फैब्रिकल के मोल्डेड क्ले होते हैं वो आप लेकर आओ। तो मैं एक चैप्टर पढ़ा रहा था गिफ्ट ऑफ चप्पल्स के नाम पर, जिसमें एक बिल्ली के बारे में वर्णन था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बिल्ली से रिलेटेड कुछ क्राफ्ट्स बनाया जाए। तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया और इसे मैं बच्चों को बांट दिया बनाने के लिए। ओके, तो मैंने तीन तीन बच्चों का एक ग्रुप बनाया है। कुल मिलाकर 6 ग्रुप है और हर एक ग्रुप में 3 बच्चे हैं। अब मैंने सबको अपना अपना काम बांट दिया कि उन्हें काम कैसे करना है। किसी को कटिंग करनी है, किसी को डिज़ाइनिंग करनी है, किसी को पेंट करना है और किसी को पेंट बनाना है। और जिनको भी ये दिक्कत महसूस हो रही कि हाँ यार ये नहीं बन पा रहा है, मैं उसकी खुद हेल्प कर रहा हूँ कि इसे कैसे बनाना है, कैसे पेंट करना है। अब इस प्रोजेक्ट में मैंने क्ले को ऐड करा है। ये एक नया कॉन्सेप्ट मुझे लगा बच्चों के साथ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे खुद भी पहले ट्राई करके दिखा दूँ, फिर बच्चे खुद ब खुद इसे ट्राई करेंगे। और यार ये बहुत ही खूबसूरत था भाई, मैंने जितना सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा ये अच्छा निकला, एंड मैं तो बड़ा खुश हूँ भाई। तो मैंने सोचा था कि यार इतना अच्छा होगा, लेकिन कई गुना अच्छा हुआ। ऑब्वियस बात है, मैंने भी हेल्प करी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हाँ उनकी बहुत ही क्रिटिकल रोल है, तो उन्होंने काफ़ी बेहतर अच्छे से किया। मैं सोच भी रहा था कि काश इतना दिमाग और इतनी लगन वो पढ़ाई में लगाते तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये ड्राइंग अच्छा कर सकते हैं तो पढ़ाई भी बहुत ही अच्छा करेंगे। एंड उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा जी। तो पसंद आया तो आप लाइक करो और आप बताओ मेरे को कि आपको कौन सी वाली बिल्ली या कौन सी वाली क्राफ्ट अच्छी लगी, कमेंट्स में लिखना। और यार सब्सक्राइब करना भाई और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यार।